नमस्ते दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा आप लोगों का फोकस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। उन प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिस टॉपिक से वो रिलेटेड प्रश्न हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए आप मेरे साथ साथ यात्रा प्रारंभ करें राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति के प्रश्नों के साथ साथ में। तो मित्रों, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। पहला प्रश्न राजस्थान के एक नृत्य से संबंधित है। आइए उस प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करें, उस प्रश्न के बारे में हम लोग सीखें दोस्तों। प्रश्न है, एक नृत्य का नाम दिया गया है जिस नृत्य का नाम है वालर। फिर डॉट डॉट रेगिस्तान दिए गए हैं और इनके अंतर्गत ये बताया गया है कि वालर का प्रसिद्ध है। और नीचे ऑप्शन में कुछ जातियां दी गई है आपको और हमको, ये देखना है कि ये जो वालर नृत्य है वो राजस्थान की कौन सी जनजाति से संबंधित है। आइए इसके ऊपर हम चर्चा करें दोस्तों। मित्रों, ऑप्शन के अंदर पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है सासी। राजस्थान में एक जाति पाई जाती है जो भरतपुर क्षेत्र में कुछ सर्वाधिक पाई जाती है, भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, उस जाति का नाम है सासी जाति। मित्रों, सासी जातियों के कोई ऐसे पर्टिकुलर नृत्य नहीं होते जो उनके जातीय नृत्य कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे लिए क्या हुआ, गलत साबित हुआ। कैसा साबित हुआ, गलत साबित हुआ। पहला हमारा सासियों का नृत्य नहीं है वालर, ये लोग आप सभी लोग जानते हैं। दूसरे ऑप्शन में आते हैं हमारे भील जनजाति, और भील जातियों का, भीलों का अपने पर्सनल क्या होते हैं, कुछ नृत्य होते हैं। जैसे आपको पता है भीलों का एक नृत्य है जिसका नाम है गैर, एक नृत्य और होता है भीलों का जिसका नाम होता है गौरी, गौरी के बाद में नेजा, नेजा के बाद में दुए चकी, दुए चकी के बाद में युद्ध, युद्ध के बाद में घूमरा, घूमरा के बाद में बागोरिया, बागोरिया के बाद में हाथी मन्ना, हाथी मन्ना के अलावा भीलों के जो और नृत्य होते हैं उनमें प्रसिद्ध नृत्य है रमणी, बाबरी, मटकू, गरबी, ठीक है, आपके हुंदरी, ठीक है। ये सारे जो नृत्य है वो नृत्य कौन सी जनजाति से जुड़े हुए हैं, गैर से। तो आपने देखा कि इन नृत्यों को जो मैंने आप ले लिखा उसमें कहीं वालर का उल्लेख नहीं है, अतः जो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी गलत माना जाएगा। अब आता है गरासिया, गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं, गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उन नृत्यों के अंतर्गत जो नृत्य आते हैं उनमें एक नृत्य है वालर, वालर के बाद में है लूर, लूर के बाद में आता है गरासियों का कूद, कूद के बाद में आता है ज्वारा, ज्वारा के बाद में इनका नृत्य होता है गरबा, गरबा के बाद में मोरिया। ये सब जो नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति के हैं, गरासियों का। तो गरासियों में आ गया ना वालर, तो यहाँ पर जो उत्तर है वो गरासियों का स सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है स। अगर आपसे पूछा जाए वालर नृत्य, वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गरासिया। मित्रों, वालर जो नृत्य है वो विवाह अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता और ये अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला एक नृत्य है। तो अतः इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो गया आपका स, ठीक है। तो वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा गरासिया दोस्तों। इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, और वो प्रश्न है हमारा कौन सा, दूसरे नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वो राजस्थान की चित्रकला शैलियों से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न कहता है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। मित्रों, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो
लगभग राजस्थान के सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर सही देने चाहिए। देखते हैं आप क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न मैं दोबारा पढ़कर आपको सुनाता हूं। प्रश्न कहता है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता या किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आइए अब हम इसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछवाई के बारे में। आखिरकार ये पिछवाई होती क्या है? तो दोस्तों, मंदिरों में मूर्ति के पीछे एक चित्रांकित एक पर्दा होता है और उस पर्दे को कहा जाता है पिछवाई। अर्थात मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति के पीछे जो सजावटी पर्दा लगा होता है उसको कहते हैं पिछवाई। और आप सब लोग जानते हो कि पिछवाई चित्रांकन राजस्थान में जिस जगह पर किया जाता है उस जगह का नाम है नाथद्वारा। तो अतः इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही है। याद रखना, पिछवाई चित्रांकन से संबंधित जब भी आपसे कोई बात करे तो आपका उत्तर होना चाहिए नाथ द्वारा। दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग। जो प्रश्न आया है कहाँ, जो प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित, यानी इतिहास से ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों को कहाँ मारा गया था? तो मित्रों, आपको ध्यान से सुनना है। आप सभी को पता है राजस्थान के 1857 की क्रांति के अंतर्गत राजस्थान में कुछ जगहों पर 1857 की क्रांति ने अपना एक व्यापक असर लोगों के सामने दिखाया। दोस्तों, इन केंद्रों में कोटा भी एक केंद्र था जहां पर 1857 की क्रांति के अंतर्गत आम जनता ने अंग्रेजों को मार भगाया था और कोटा को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया था। जब 1857 की क्रांति राजस्थान में फल फूल रही थी तो उस समय पर मेजर बर्टन कोटा में पीए लगे हुए थे, अर्थात पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट पर बैठे हुए थे। कोटा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जयदयाल और एक का नाम था मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को लोगों की भीड़ पीए के आवास पर पहुंची। पीए महाराज कौन थे? मेजर बर्टन। उस समय पर मेजर बर्टन अपने दो पुत्र और दो डॉक्टरों के साथ, अंग्रेजी डॉक्टर थे दो, एक का नाम था सैडलर, एक का नाम था कांटम, इन पांचों को भीड़ ने मार डाला। मेजर बर्टन का सिर काटकर उसे पूरे कोटा में घुमाया गया और अंत में इस सिर को तोप में रखकर और बारूद के साथ उड़ा दिया गया था। तो यहां ढूंढो देखे कोटा कहीं आपको दिखाई देता है क्या? पहला ऑप्शन है नसीराबाद। नसीराबाद का बर्टन से कोई लेना देना नहीं है, अतः ये ऑप्शन गलत हुआ। एरिनपुरा से बर्टन का कोई लेना देना नहीं है, जोधपुर से बर्टन का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन द जो है कोटा, ये आपको देखना है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कोटा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर चले। तो तीसरे नंबर का प्रश्न यानी चौथे नंबर का प्रश्न कहता है, ये प्रश्न राजस्थान के दुर्गों से लिया गया है। आप सभी को पता है शुक्र नीति ये कहती है कि दुर्गों के प्रकार हैं 9, और 9 प्रकार के दुर्गों में एक दुर्गों का प्रकार यहाँ दिया गया है और वो दिया गया है जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो 3 ओर से बहती हुई जलराशि से घिरे हुए होते हैं उन दुर्गों को कहा जाता है जल दुर्ग। तो पहला ऑप्शन है अचलगढ़। आपको पता है अचलगढ़ दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है, ये 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ नहीं है, अर्थात पानी से घिरा हुआ नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है लोहागढ़ भरतपुर। आप सभी जानते हो लोहागढ़ भरतपुर घिरा हुआ तो है पानी से, लेकिन बहती हुई जल राशि से नहीं भरा हुआ है, ये खाई भरी हुई है पानी से दोस्तों, तो लोहागढ़ भी जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा दुर्ग ऑप्शन द में था आपका चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग भी मैसा पठार के ऊपर स्थित एक दुर्ग है, यानी एक पहाड़ी पर दुर्ग है। हालांकि यहाँ पर गंभीरी नदी बहती है, बेड़च और गंभीरी नदी बहती है, लेकिन ये नदियाँ दुर्ग के पास न बहकर दुर्ग के नीचे बहती है, अतः चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। तो फिर आता कौन सा है? तो यहाँ पर सह ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। गागरौन जो दुर्ग है आप सभी लोग जानते हैं,
काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ये दुर्ग तीन ओर से बहती हुई जलराशि से घिरा हुआ है, अतः राजस्थान का वह दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है उसका नाम है गागरोण। मित्रों, गागरोण के अलावा अगर यहां ऑप्शन गागरोण नहीं होता और ऑप्शन होता भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ राजस्थान का एक दुर्ग है जो आप सभी को पता है चित्तौड़ में स्थित है, ये दुर्ग भी एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दुर्ग चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। तो राजस्थान के दो दुर्ग ऐसे हैं जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, पहले का नाम है गागरोण और दूसरे का नाम है भैंसरोडगढ़। दोस्तों, इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न जो है वो राजस्थान की एक रियासत के राजा से संबंधित है। ये प्रश्न कहता है कि मारवाड़ के अजीत सिंह कौन से राजा के पुत्र थे। तो हमें यहां ढूंढना है कि अजीत सिंह जो थे वो मारवाड़ के कौन से राजा के पुत्र थे। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम अजीत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, यानी जसवंत सिंह प्रथम अजीत सिंह के पिता थे। ठीक है, अजीत सिंह पुत्र था किसका, जसवंत सिंह का पुत्र था। दोस्तों आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। और अगला प्रश्न है किसकी स्मृति में, यहां पर एक मेला दिया गया है दोस्तों, और मेला दिया गया है परबतसर का मेला। आप सभी को पता है राजस्थान के नागौर में परबतसर में भादो शुक्ल दशमी को एक पशु मेला आयोजित होता है जिसको तेजा जी का पशु मेला कहते हैं, जो परबतसर नागौर में स्थित है। ठीक है, तो यहां का इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो ये परबतसर का जो मेला जिस देवता की स्मृति में लगाया जाता है उस देवता का नाम है तेजा जी। कौन सा देवता है, तेजा जी। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कहता है उस स्थान का नाम बताइए जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। आप सभी को पता है दोस्तों कालीबाई एक उत्कृष्ट विद्यार्थी मानी जाती है जिसने अपने गुरु सेंगा भाई को बचाने के लिए, सेंगा भाई और नाना भाई खाट, ये दोनों डूंगरपुर प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता थे, इन दोनों ने मिलकर डूंगरपुर के रास्तापाल में एक स्कूल चलाई थी। इस स्कूल को बंद कराने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन नाना भाई और सेंगा भाई इस स्कूल को बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अतः डूंगरपुर राज्य की पुलिस ने आकर रास्तापाल नामक जगह पर यहां सेंगा भाई और नाना भाई को प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित करके जब पुलिस इन दोनों को ट्रक पर बांधकर जब घसीटते हुए डूंगरपुर ले जा रही थी तो 12 वर्षीय एक भील बालिका जिसका नाम था कालीबाई उसने अपने गुरुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तो मित्रों यहां ऑप्शन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कालीबाई ने जिस जगह पर शहादत दी उस जगह का नाम है रास्तापाल। मित्रों इस कांड को रास्तापाल हत्याकांड 1947 कहा जाता है। तो कालीबाई का संबंध डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से है। तो यहां का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन द क्या होगा, सही होगा। अब हम आगे के प्रश्नों की ओर चलें। तो आगे का जो प्रश्न है वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। आप सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में शुरू हुआ था। पहला चरण कहलाया मत्स्य संघ, दूसरा चरण कहलाया पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण कहलाया संयुक्त राजस्थान और चौथा चरण कहलाया व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान, और यहां यही पूछा गया है कि व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों ध्यान से सुनो, मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर में हुआ था और इसका उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नरहरि विष्णु गौडगिल, जो उस समय पर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। ये पूर्व राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो भी नरहरि विष्णु गौडगिल अर्थात एनवी गौडगिल द्वारा किया गया था। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और व्रत राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा किया गया था।
तो यहां पर पूछा गया है कि व्रत राजस्थान का उद्घाटन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू गलत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत, वीपी मेमन गलत, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहां पर ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा व्रत राजस्थान का क्या किया गया था मित्रों, उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान के किसान आंदोलनों से है। इसमें दो अमर शहीदों का नाम बताया गया है, जिनमें एक अमर शहीद का नाम है रूपा जी और दूसरे का नाम है करपा जी। करपा जी और रूपा जी शहीदों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो आप लोग सभी जानते हैं रूपा जी और करपा जी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत 1923 में एक गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक सभा चल रही थी। इस सभा में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच द्वारा गोलियां चलाने के आदेश दिए गए थे और इस गोलीकांड में रूपा जी और करपा जी दोनों शहीद हुए थे। अतः यहां पर बेंगू उत्तर सही होगा। इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चले। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक राजवंश से संबंधित है और हमसे पूछा गया है कि उस राजवंश की कुलदेवी कौन है, राजवंश की कुलदेवी कौन है, और वो राजवंश है राठौड़ वंश। हमसे पूछा जा रहा है कि राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है, तो मित्रों आशापाल और साकंबरी माता दोनों का संबंध है चौहानों से। ठीक है, आती है कौन सी, नागनेची माता। यहां पर सह उत्तर सही है, याद रखना बीजासन माता का संबंध किसी भी राजवंश से नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन में आधार पर, ऑप्शन के आधार पर दसवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है नागनेची माता। नागनेची माता राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। और अगला प्रश्न कहता है कि अकबर द्वारा आमेर के राजा मानसिंह को कौन से मुगल प्रांतों में सूबेदार, सूबेदार का मतलब है राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहां एक ऑप्शन है काबुल, एक ऑप्शन है बिहार और एक ऑप्शन है बंगाल। मित्रों आप सभी को पता है मानसिंह को तीनों ही प्रांतों में राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। सबसे पहले ये काबुल का राज्यपाल बनाया गया था, उसके बाद इसे बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, उसके बाद ये उड़ीसा का राज्यपाल बना और उसके बाद ये बंगाल का राज्यपाल बना, अंत में इसे दक्षिणी भारत का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था, जहां पर महाराष्ट्र के इलीचपुर में मानसिंह का निधन हो गया था, अर्थात मानसिंह मर गया था। तो यहां पर तीनों ही प्रांत वो प्रांत हैं जिनमें मानसिंह सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन में ए, एक दो और तीन, अर्थात काबुल, बिहार और बंगाल, ये तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। तो मित्रों यहां पर प्रश्न के आधार पर जो ऑप्शन होगा वो है तीसरा ऑप्शन, ये सॉरी पहला ऑप्शन, अर्थात पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। यहां पर आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें। अगला जो प्रश्न है वो भी क्या है, वो भी किसान आंदोलन से संबंधित है। मित्रों ये प्रश्न अलवर किसान आंदोलन से लिया गया है। आप सभी को पता है अलवर में नीमूचणा नामक जगह पर किसान शांतिपूर्वक अपनी समस्या को लेकर यहां मीटिंग कर रहे थे और यहां पर अलवर के पुलिस सुप्रिटेंडेंट छाजू सिंह द्वारा यहां गोलियां चलवाई गई थी और इस गोली में कई लोग मरे थे। इस हत्याकांड को नीमूचणा हत्याकांड 1925 कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब नीमूचणा कांड हुआ था तो उस समय पर अलवर के राजा कौन थे, तो मित्रों यहां पर ऑप्शन द सही है, याद रखना महाराजा जयसिंह उस समय पर अलवर के राजा हुआ करते थे जब अलवर में किसान आंदोलन पैदा किया गया था और नीमूचणा कांड हुआ था। इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अगला जो प्रश्न है वो त्योहारों से संबंधित लिया गया है, मेले और त्योहारों से पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा गया है एक महीना दिया गया है, उस महीने का नाम है श्रावण, और ये पूछा गया है कि ये जो चार त्योहार दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जो सावन के महीने में नहीं आता। तो मित्रों पहला ऑप्शन है ऊब छठ। मित्रों ऊब छठ जो है
वो भादो कृष्ण छठ को मनाया जाता है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो भादो के महीने में आ गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो बड़ी तीज या कजली तीज। मित्रों, कजली व बड़ी तीज भी भादो कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला ऑप्शन है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आप सभी को पता है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। और नागपंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। तो मित्रों, यहां दो ऑप्शन ऐसे हो गए जो श्रावण के महीने में नहीं होते, यानी कजली तीज भी भादो के महीने में मनाई जाती है और ऊब छठ भी भादो के महीने में मनाई जाती है। तो यहां प्रश्नों के आधार पर क्या हो गया, दो ऑप्शन हो गए। अतः ये प्रश्न ऐसा है जिसमें परीक्षा एजेंसी को आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, बोनस अंक देना पड़ेगा। तो यहां चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना कजली तीज और ऊब छठ दोनों ही भादो के महीने में मनाए जाते हैं, जबकि रक्षाबंधन और नागपंचमी श्रावण के महीने में मनाई जाती है। इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ये एक करंट से लिया गया प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, यहां सिटी पैलेस उत्तर गलत होगा, जंतर मंतर यहां पर सही होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये बात मत भूलना कि 2019 में पूरे ही जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो 1857 की क्रांति से लिया गया है। ये प्रश्न कहता है कि जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय पर राजस्थान का AGG अर्थात एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन था। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है, ये जॉर्ज लॉरेंस की जगह अगर पैट्रिक लॉरेंस होता तो और ज्यादा सही होता, पैट्रिक लॉरेंस। तो प्रश्न के आधार पर ए सही है, ध्यान रखना। उस समय पर राजस्थान का जो AGG था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसको भेजा, ठीक है। तो मित्रों, सैयद हासिम उत्तर गलत है। आप सभी को पता है चार आदमियों को भेजा गया था, जिनमें पहला था जलाल खां के बाद में मानसिंह को भेजा गया, मानसिंह के बाद में भगवंत दास को भेजा गया और अंत में भेजा गया टोडरमल। तो यहां पर जलाल खां उत्तर सही है, बे याद रखना। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व अकबर ने चार लोगों को प्रताप को समझाने भेजा था, उनमें पहला था जलाल खां, दूसरा था मानसिंह, तीसरा था भगवंत दास और चौथा था टोडरमल। मित्रों, इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद में हम अंतिम प्रश्न की ओर रवाना हो चुके हैं। और अंतिम प्रश्न कहता है कि मारवाड़ के किस शासक का लालन पालन गोराधाय द्वारा किया गया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है अजीत सिंह का लालन पालन मारवाड़ की गोराधाय द्वारा किया गया, और गोराधाय ने अपनी पुत्री का बलिदान देकर अजीत सिंह के प्राणों की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार जैसे कभी मेवाड़ में पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। अतः गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बे सही है। मित्रों, आज की प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग समाप्त करते हैं इस वादे के साथ कि मैं कल फिर इसी समय पर आप लोगों के पास प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हरिओम शर्मा को विदा दीजिए, कल फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम साहब।